हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुभव सिंह राजावत और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रथम परीक्षा में। उम्मीद है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं एमटीएस और सीचल, आप उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, रात में दिन में बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इन एग्ज़ाम के लिए आपको भी पता है कि इंग्लिश का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और इंग्लिश में जैसे कि CHSL का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, इसके पहले आपका CPOSI का पेपर हुआ, हमने देखा कि वकैब का जो लेवल है वो भी आपका ठीक ठाक है और वकैब से क्वेश्चन भी आपकी ग्रामर की अपेक्षा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग वकैब कुछ सेशन आपके लिए लेके आएंगे जो कि बहुत फ्रूटफुल होंगे आपके आने वाले बेटे एग्जाम के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक वर्ड लिखा है आपका बेनेडिक्शन। सिर्फ यही वर्ड नहीं है, इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे वर्ड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक रूट वर्ड लिखा है बेटा, बैनी और बौना। रूट वर्ड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वकैब याद करने के कुछ ट्रेडिशनल तरीके होते हैं जिनमें से एक आपका होता है रूट वर्ड, प्रेफिक्स और सफिक्स। रूट वर्ड वो वर्ड होता है बेटा, रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिससे किसी भी शब्द का निर्माण होता है। रूट का मतलब क्या होता है? आपका जड़। अगर भाई साहब किसी पेड़ से जड़ निकाल ली जाए तो उस शब्द का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इसी तरीके से किसी भी वर्ड से अगर रूट वर्ड निकाल दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमने देखा क्या कि यहाँ पे आप देखो कि पैनी लिखा हुआ है, तो किसी भी वर्ड के साथ में अगर आपको पैनी या पौना देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा बात हमेशा अच्छे की करेगा। सबसे पहला वर्ड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बेनेडिक्शन। सबसे पहले आप देखिए बेनेडिक्शन लिखा हुआ है, तो पैनी मतलब क्या होता है? अच्छे से। पैनी मतलब क्या हो जाएगा बेटा? गुड। और टिकट का मतलब क्या होता है? आपका कहना। अब पैनी मतलब अच्छा, टिकट का मतलब कहना, किसी के लिए अच्छा कहना मतलब उसको बेटा आशीर्वाद देना, उसको बोलना कि तुम्हारा एग्जाम अब की बार क्वालिफाई हो जाएगा और तुम अब की बार सेलेक्ट होने वाला हो, यकीन रखिए। तो पहला वर्ड हम लोगों ने बहुत प्यार से कर लिया है। हम लोग देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ लिखा है आपका बेनिफैक्टर। यहाँ भी आपको देखिए पेनी देखने को मिल गया, यहाँ भी पेनी है, इसका मतलब यहाँ भी बात किसी होगी बेटा अच्छे की होगी। तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? आपका एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा जनरस है, जो बहुत दयालु प्रवृत्ति का है। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि ऐसे वर्ड कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे आते हैं, तो आपको याद रखना है कि बेनिफैक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है वो क्या कहलाता है बेटा? बेनिफैक्टर कहलाता है। सिनोनिम की बात करें तो आप जनरस लिख सकते हैं। इसी तरीके का अगर एक वॉर वर्ड की बात करें तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा समैरिटन, और समैरिटन का मतलब ये क्या होता है? जो दूसरों की मदद करता है। इसको याद करने के लिए आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो कि भैया समैरिटन क्या है? संकट मोचन है। हमको भी हनुमान जी से बहुत मोहब्बत है और तुमको भी, ठीक है? सब लोग ईश्वर को कितना मानते हैं, तो आप बस संकट मोचन से एक वर्ड नहीं याद कर सकते क्या? कि संकट मोचन समैरिटन क्या हो जाएगा? फिर से बोलेंगे मेरे साथ कि संकट मोचन समैरिटन। और संकट मोचन समैरिटन वो इंसान होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा संकट मोचन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड लिखा है बेटा बेनिफिसेंट। यहाँ भी बेनी मतलब बात किसकी होगी? अच्छे की। तो बेनिफिसेंट का मतलब भी क्या होता है आपका बेटा? जनरस ही होता है। तो देखो शुरुआत के तीन वर्ड हम लोगों ने देखे जनरस से रिलेटेड थे। बेनिफिसेंट हो गया आपका, बेनिफैक्टर हो गया। इसके बाद आपका अगला वर्ड लिखा है बेटा बेनिवोलेंट। इसका मतलब ही क्या होता है बेटा? आपका जनरस ही होता है। तो बेनिफिसेंट हो गया, बेनिवोलेंट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके? जनरस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले वर्ड की बात करें बिनाइन, आप देखो इससे दो वर्ड बन जाएंगे। एक तो आपका बेटा बिनाइन बनेगा और एक इसी के आगे बेनिग्नेंट बन जाएगा, मे बी इसके आगे आपका होगा भी। तो बिनाइन और बेनिग्नेंट दोनों का मतलब देखो अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे ANT है और यहाँ पे ANT नहीं है। तो बेनाइन और बेनिग्नेंट दोनों का मतलब ही क्या होता है बेटा आपका? ये भी आपका बेटा जनरस ही हो जाता है। ये सारे वर्ड जनरस से आपके रिलेटेड हो जाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो कि बेनी मतलब अच्छे से, तो बेनाइन का मतलब अच्छा। जनरस इंसान जो बहुत लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, ह्यूमेन होता है, काइंड होता है। और ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो ना ही पढ़ सकते हो। ये लोकल लैंग्वेज में से बोला जाता है कि वो कभी किसी को ना ही नहीं करता है। तुम कुछ भी मांग लो उससे, जान भी मांग लो तो ना ही नहीं करेगा। तो कैसा आदमी है? बड़ा उदार है, बड़ा दयालु है। जब किसी को ना ही नहीं करेगा तो कैसा है? बहुत दयालु है। हालांकि लोग ना ही कर देते हैं, लेकिन ये मान लो भाई बहुत ज़्यादा उदार इंसान है। तो बेनाइन और बेनिग्नेंट दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? आपका जनरस हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो बॉन फायर लिखा। देखो यहाँ पे आप देखोगे बॉन लिखा है, डिस्कस वही कर रहे हैं हम लोग कि पैनी और बॉन या बौना, ये हमेशा अच्छे की बात करेंगे।
पॉन आ गया तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे बात किसकी होगी बेटा, एक पॉजिटिविटी की बात होगी, एक अच्छाई की बात होगी, एक गुडनेस की बात होगी। लेकिन यहाँ लास्ट में क्या आ गया है, फायर। पुष्पा बोलता है ना कि फ्लावर नहीं फायर है मैं, उसी तरीके से आपको ये फायर बिल्कुल आग लगा देनी है पेपर में। हालांकि फ्लावर नहीं बोलते उसको, फ्लावर बोलते हैं, लेकिन डायलॉग में चलता है भाई। बॉन फायर की अगर बात की जाए तो फायर मतलब क्या होता है भाई, आग। बॉन का मतलब क्या होता है, अच्छी। तो बॉन फायर का मतलब क्या होगा, फायर बिल्ट फॉर सेलिब्रेशन, फायर बिल्ट फॉर सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेट करने के लिए बेटा आग लगाई जाए वो क्या हो गई आपकी, बॉन फायर। कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आप मूवीज में देखते होंगे कि लोग पिकनिक में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, बीच में आग लगा लेते हैं और अगल बगल दोस्त बैठ के अपना गिटार बजाते हैं, बेहतरीन इंजॉय करते हैं, तो वो जो आग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन फायर। वहाँ भी लगा सकते हो आप। दूसरा, जब दिवाली आती है, अभी दिवाली आने वाली है, करवा चौथ भी आएगा, तुम्हारे लिए भी कोई व्रत रखेगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन पटाखे तो तुम फोड़ोगे ना भाई। जब पटाखे फोड़ोगे आप तो आपको याद रखना है कि उसके लिए एक वर्ड लगाना पड़ेगा आपको, बॉन फायर। तो बॉन फायर का मतलब आतिशबाजी भी होता है। तो बॉन फायर जब आप पिकनिक मनाने जाएंगे तो बीच में जो आग है उसके लिए भी लगा सकते हो बॉन फायर, और बॉन फायर आप आतिशबाजी के लिए भी, ठीक है। अगला वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, लिखा है बॉन होमी। इससे हाल ही में एक सीजल में बेटा वर्ड पूछा गया था होमी से, आपको याद भी हो शायद। होमी का मतलब होता है जो आपका दोस्त होता है, जो आपका फ्रेंड होता है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि बेटा आपका चम भी होता है, ये भी दोस्त होता है। जैसे कि एक वर्ड बड़ा प्यारा है पैल, पैल का मतलब भी आपका दोस्त होता है ना, क्रॉनी भी आपका दोस्त होता है। तो होमी का संबंध किससे है बेटा, दोस्त से है। होमी का संबंध किससे है आपका, दोस्त से है। और बॉन का मतलब किससे होता है, अच्छे से। तो बॉन होमी का मतलब क्या होता है भाई, दोस्त है ना तो फ्रेंडली होके रहेगा आपके साथ, सिंपल सी बात है, जो आपके साथ बड़ा फ्रेंडली हो। और इसका दूसरा मीनिंग चीयरफुल भी होता है। दूसरा मीनिंग लिखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो पेपर में कई बार क्या होता है, जिस तरीके से हम सिनोनिम याद करते हैं ऑप्शन उस तरीके से मिलते नहीं है। जब ऑप्शन उस तरीके से नहीं मिलते तो फिर आपको एक से अधिक वर्ड याद करना फायदेमंद रहता है। मान लो फ्रेंडली ऑप्शन में नहीं तो आपने चीयरफुल लगा दिया, ओके। तो बॉन होमी का मतलब फ्रेंडली और चीयरफुल, याद कैसे करेंगे, बॉन मतलब अच्छा, होमी का मतलब दोस्त। अब आपका अच्छा दोस्त है तो आपके साथ तो चीयरफुल होगा ना, आपके साथ तो फ्रेंडली रहेगा ना, ठीक है भाई। चलो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ पॉनी। पहली बात, ये वो पॉनी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मैं तो लंबा हूँ वो पॉनी है। ये पॉनी है आपका खूबसूरत। इस पॉनी का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी एडोरेबल। याद कैसे करोगे, देखो बॉन का मतलब होता है अच्छा, कि वो बहुत बॉनी है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसके लिए एक वर्ड कमली भी लगाते हैं। कमली का मतलब भी क्या होता है आपका, सुंदर, बहुत सुंदर जो महिला होती है उसके लगाते हैं। याद कैसे करोगे, कटरीना कैफ ने अपने कमली वाला एक गाना गाया था, आपको याद होगा, और उस गाने में कटरीना कैसी लग रही थी, एकदम लाजवाब। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कमली वाले गाने में कटरीना कैसी लग रही थी बेटा, एकदम कमली लग रही थी, एकदम बॉनी लग रही थी। तो ब्यूटीफुल किसी को बोला है अच्छे की बात है, तो बॉन का मतलब अच्छा, तो बॉनी का मतलब ब्यूटीफुल। अगला वर्ड आपका लिखा है बेटा डेबोनियर। देखो दो वर्ड मैं बताता हूँ, जब आप शादी करने जाओगे तो आपको दो वर्ड याद रखना। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए डेबोनियर है, अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए बोवाइन है। कैसे, हर लड़की पति चाहती है डेबोनियर, हर लड़की पति कह चाहती है कि भैया हमारा पति कैसा हो, बहुत ज़्यादा डेबोनियर हो। डेबोनियर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिल से ही बहुत अच्छा हो, नेचर से बहुत अच्छा हो और दिखने में भी बहुत शानदार आदमी हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, डेबोनियर। आप क्या बोलोगे, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर है दिखने में और उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं। ये तो हो गया लड़कों के लिए कि वो बंदा कैसा है, राहुल इज अ डेबोनियर पर्सन। लेकिन लड़कियों के लिए, जब आप लड़की देखने जाओगे तो लड़की का पिता हमेशा एक ही बात बोलता है कि लड़की हमारी गाय जैसे सीधी है। अब उसने तो हिंदी में बोल दिया, लेकिन तुम कर रहे हो बउआ सीजल की तैयारी, तुमको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, बोलोगे शी इज अ बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक अ काउ। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में सिंगे आ जाती हैं, लेकिन पहले तो भाई बोवाइन ही रहता है। तो बोवाइन का मतलब क्या होता है, लाइक अ काउ। तो ऐसे याद कर लो कि हर लड़की को लड़का कैसा चाहिए, डेबोनियर शादी के लिए, और हर लड़के को लड़की कैसी चाहिए, बोवाइन। की भैया हर बात मान ले, जो कि पॉसिबल है नहीं, दोनों को ही कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये दोनों भी हम लोगों ने कर लिए। अगले वर्ड की बात करते हैं, बॉन वॉयज। देखो वॉयज का मतलब होता है बेटा यात्रा, ट्रिप के लगाते हैं हम लोग, यात्रा के लगाते हैं।
वॉयज का मतलब आपका यात्रा होता है, और स्पेसिफिकली बात की जाए कौन सी यात्रा, तो आप याद रखिएगा वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। वॉयज का मतलब क्या होता है बेटा आपका, याद रखिएगा इस बात को, वॉयज लगाते हैं हम समुद्री यात्रा के लिए, ठीक है। अगर हम यात्रा के और भी वर्ड देख लें, जैसे एक वर्ड होता है बेटा आपका जॉन्ट, एक वर्ड क्या होता है आपका जॉन्ट, क्यों होता है बेटा, शॉर्ट ट्रिप टेकन फॉर प्लेजर, टेकन फॉर प्लेजर, आनंद के लिए की गई छोटी सी यात्रा के लिए हम लोग वर्ड क्या लगाते हैं बेटा, जॉन्ट। एक वर्ड और भी होता है एक्सकर्जन, और एक्सकर्जन का मतलब भी बेटा आपका यही होता है, एक्सकर्जन भी हम लोग लगाते हैं किसके लिए, अ शॉर्ट ट्रिप टेकन फॉर प्लेजर, ठीक है। तो ये आपकी यात्रा हो गई, तो एक आपका जॉन्ट हो गया, एक आपका एक्सकर्जन हो गया, ये दो भी आपकी यात्राएं हो गई हैं। और इसके पहले हम लोगों ने बॉन वॉयज देखा, तो वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा, जॉन्ट और एक्सकर्जन का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिप टेकन फॉर प्लेजर। जॉन्ट को अगर याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो अपनी जान के साथ कहाँ गए हैं, इसको किससे याद कर लो बेटा, जान से याद कर लो। अब भैया यात्रा करने जाओगे है ना, मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हो, थक जाते हो, सैटरडे संडे घूमने जाना है, तो अकेले थोड़ा चले जाओगे, जान के साथ जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी जान के साथ कहाँ गया है, जॉन्ट पे गया है। आप बोलते रहिएगा मेरे साथ तभी आपको याद होगी। देखो वकैब उसी को आती जो इससे मोहब्बत करेगा, तो मोहब्बत आपको करनी पड़ेगी, बिना बोले कुछ नहीं आएगा, ठीक है। भले आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या हुआ, आपको बोलते रहना है, ठीक है, आपको बार बार रोट करते रहना है, आपको बहुत इजली याद हो जाएगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए, बिल्कुल मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और जितने भी वर्ड मैं आपको कराऊंगा सारे वर्ड SSC के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे, पूछे गए वर्ड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करोगे कि वो अपनी जान के साथ कहाँ गया, जॉन्ट पे गया, यात्रा पे गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वर्ड पे, वॉयज का मतलब हो गया यात्रा, बॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, अच्छा। तो ये होता है किसी को अच्छी यात्रा के लिए विश करना, टू विश समवन, टू विश समवन फॉर गुड ट्रिप, किसी को गुड लक करना एक तरीके से, है ना, कि बोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई साहब दही चीनी खा के जाइए, इस तरीके से किसी को विश करते हैं कि आप बहुत मतलब अच्छी यात्रा हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यात्रा मंगलमय होने के लिए बेसिकली वर्ड क्या यूज करते हैं, बॉन वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला वर्ड लिखा है बेटा बेनिफिशियरी। देखो एक वर्ड हमने आपको कराया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, एक वर्ड हमने क्या किया है, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, बहुत जनरस है, जो बहुत मदद कर रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो आपका वर्ड होता है, भाई कोई मदद कर रहा है तो किसी को मदद मिल भी तो रही होगी। अब मदद मिल किसको रही है बेटा, जिसको मदद मिल रही है ना उस बंदे को हम बोलते हैं बेनिफिशियरी, अ पर्सन हु गेट्स प्रॉफिट, अ पर्सन हु गेट्स प्रॉफिट, जो लाभ प्राप्त कर रहा है, जो मदद ले रहा है। जैसे सरकार ने कोई योजना चलाई, ऐसे याद कर सकते हो, तो सरकार वहां पे क्या है बेटा, आपकी बेनिफैक्टर है, सरकार लाभ दे रही है, और जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो लोग क्या है बेटा, आपके बेनिफिशियरी हैं। यहाँ भी देखो पेनी अच्छे से है, तो बेनिफिशियरी का मतलब जो लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छे ही लोग होंगे, मान के तरह से चलते हैं। इसके बाद बेटा आपका लिखा हुआ है बेनिफिशियरी, बस। तो पेनी और बोना से आपके इतने ही वर्ड थे आज की क्लास में। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो नया वर्ड, रूट वर्ड लेके आएंगे, और बेहतरीन तरीके से आपके लिए सिलेक्टेड वर्ड लेके आएंगे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके MTS और CGL के प्री में आने के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए प्रथम परीक्षा को, इसी तरीके के आपका बेहतरीन कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर